हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग पूरन देवी मंदिर आए हैं। यह मंदिर पूर्णिया में स्थित है। क्योंकि कुछ समय से हम लोग पूर्णिया में रह रहे हैं, तो आज हमने सोचा, क्योंकि आज शनिवार है और शनिवार और मंगलवार को पूरन देवी माता की पूजा होती है, तो क्यों ना हम भी दर्शन कराएं। यह मंदिर पूर्णिया सिटी से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पूर्णिया का ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के सभी बड़े मंदिरों में से एक है। यह मंदिर करीब 600 साल पुराना है। कहते हैं पूर्णिया जिला का नाम इसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। आज से करीबन 600 साल पहले जब यहाँ घना जंगल हुआ करता था, तब बाबा हथीनाथ नाम के एक महात्मा यहाँ रहा करते थे। वह इस जंगल में तपस्या किया करते थे। मंदिर के पीछे एक तालाब है जहाँ से माता पूरन देवी की मूर्ति मिली थी। उस जंगल में बाबा ने 150 वर्ष तक तपस्या की थी। एक दिन माँ ने उनको स्वप्न दिया कि तालाब में मेरी मूर्ति है। हथीनाथ बाबा ने तालाब से मूर्ति निकाली और उसकी स्थापना की। तब से यहाँ माता का पूजन होने लगा और यह एक सिद्ध पीठ बन गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शौकत अली नाम के एक नवाब ने इस जमीन को जमींदार को दिया था, जो कि एक हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य और विशाल है। इस मंदिर के दो कैंपस हैं और दोनों मिला के यह 3 से 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा 60 बीघा की जमीन में यहाँ खेती होती है। फर्स्ट जैन और दुर्गा पूजा में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। यहाँ शादियाँ भी होती हैं, इसलिए यहाँ कई धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यही वो तालाब है जहाँ से माता की मूर्ति मिली थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो इस तालाब में नहा के माता की पूजा अर्चना करते हैं, वह निःसंतान को भी संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।